सारे का खिलाफ दरखास्त लिख कर फिर मरूंगी। चेयरमैन मित्तल दो तीन गेड़े गई में उनकी लेडीज ने भी घर तो बाहर आकर नहीं देखे भी कोई आ रही है। मैं कमीशन ले आज तड़ा तड़ा पुलिस वाले भी उनका 400-500 रुपया वो क्यों गलत काम करके खाना हो गया जी। फिर एक को काम कर लेंगे के जो गुड़िया मेरी 12 साल की है जी। और जिसने एक बार इनको देखा था वो कौन थे भाई साहब? आओगे आप? हाँ जी, आप थे जी। तो क्या भाई साहब क्या देखा आपने? कहाँ के पास खड़ी थी मैंने एक दो मंदिर में यहाँ से लेडीज लेकर गया है? लेडीज मैंने सोचा एकला तो मैं जाऊंगा तो वैसे दिक्कत हो जाएगी। मैं लेडीज लेकर गया, इन लेडीजों को लेकर गया मैं, बोला इनको बचा लो आप, ये वहाँ से लेके आए आप लेकर आए हो जी। के बताया इन्हें कुछ कारण आपने पूछा हो? ये कहती मैं तो यहाँ पर कटूंगी। अच्छा, नहीं जाती घर? क्या था मेरा घर, मेरे रिश्तेदारी तंग कर रहे हैं मैंने। अच्छा, कड़ा की है जी? पूछा कड़ा की है? हाँ जी, हनुमान नगर में थे, नरवाने था। अच्छा, तो बड़क बुड़क भी है? एक लड़की बताओ जी। आज कब टेव के करे जी? गुजर गया जी घर वाला। अच्छा अच्छा, तंग कौन करे थी? रिश्तेदारी तंग करे हम लोग। किस प्रकार बता इन्हें पूछा? हाँ जी बता दे जी, आप बताया तो जी, सच सच बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? आपने अपना इंसाफ मिला, ऐसी कोई बात नहीं है। रो ना पहले तो सही बता दो, कोई नहीं रो ना जी। देखो ये तो आपको यूं तो आपको इंसाफ मिला तो जी, मैं हनुमान नगर मारो के वोट वगैरह सारी यहीं की बन रही है। एमसी लगा गई तो एमसी ने कोई मेरे तक कोई जवाब नहीं दिया हाँ ना का। फिर मैं चेयरमैन लगा गई जी, चेयरमैन मिर्दा लगा दो तीन गेड़े गई में उनकी लेडीज ने भी घर तो बाहर आकर नहीं देखे भी कोई आ रही है। मैं सीधा गेट खोल का अंदर ना कमरा खोल का बेडरूम में गई जब जाकर, वो फिर दो तीन बोल मारे फिर आई वो बाहर। मिर्दा का लो फोन करे मैंने एक फोन उठाया, उन्हें दोबारा मेरा फोन नहीं उठाया। बस यह कह को कोई नहीं कर देंगे समाधान, माजी मना कोई काम नहीं मिल रहा, कहीं मैं तंग हो रही हूँ। मैं सारा नरवाना फिर गई जी, मना कोई काम नहीं मिल रहा कहीं भी। दो हजार तीन हजार ने लावा जी सवेरे तो लेकर शाम तक। फिर जी मेरा जो मतलब रिश्तेदार है जी उसने मेरी टूम खा रखी जी, मेरे पैसे खा रखे। कौन है जी वो रिश्तेदार? ओ मक्खन है जी, धर्म सिंह तलोनी का। अच्छा हाँ जी, के है जी रिश्तेदारी में आपका? मैं सिटी थाना में गई दरखास्त देन तो मैं ओड़ा बैठे थे पुलिस वाले बैठे थे, फिर वो बोले नुका आपकी लेडीज पुलिस लेवागी नुका वो लेवांगी पुलिस वाले नुका दरखास्त। पुलिस वाले लगा गई वो बोली नुका उनता दे नुका पुलिस वाले का दरखास्त। पुलिस वाले बोले नुका उरा कोई दरखास्त नहीं चलती नुका पैसे गे नुका जड़ा मर्जी जा नुका दे जड़ा जा करिए भी जा चाहे तो जींद जाऊं जी। मैं मेरी मतलब मैं डिवोर्स हो रहा है मेरा, तलाक शुदा हूं मैं। मैं कह रही मैं मेरी पिलसन बांध दो, कोई मेरी पिलसन नहीं बंधुआन का सुना सुनाई कर रहा। कमेटी में गई मैं सारे कमरे में फिर आई, किसी ने मेरा नहीं पाई जी, कोई मेरी सुन मिला के फिर उसका 400-500 रुपया वो क्यों गलत काम करके खाना हो गया जी। फिर एक को काम कर लेंगे के जरूर तो मैंने झाड़ू पोछे लाएंगे जी, ये तो कड़िया किसी का झाड़ू पोछे में भी काम को नहीं मिलता, गलत फायदा उठा रहे जी लोग बहुत। मैंने कड़िया काम नहीं मिलता, छह भी नहीं हो रहा ना फिर देना काम बदल, मेरी कड़िया सुनाई नहीं हो रही है जी। मैं जींद लग जाए आई, कोई मेरी सुनाई नहीं करता। सियासी सेंटर में जाऊं कहीं की स्कीम चल रही हो जी बता दो, कहीं बदल मैंने तीन लोन ले रखे, मेरे तीन लोन भी नहीं हो खड़िया लेके मैं कड़ता भरूंगी जी। मेरे पर ठंडी का तो आ नहीं जुगाड़ मेरा, देखिए लोन जो आपने लिया था वो लोन के पैसे कट गए जी। उसके कागज भी लिए भी रूम में, जो आपने लोन लिए थे वो लोन के पैसे कट गए जी। लोन का भी जी लॉकडाउन लग गया था, मेरा सारा कर्जा न्यू से मैं चले गया जी, मेरी कुंडी उस पा रही हूँ जी। वो मरण तो सिवा मेरे पर कोई काम नहीं है जी। बच्ची कितनी आपके? मेरे पे एक गुड़िया है जी। वो कितनी बड़ी है जी? गुड़िया मेरी 12 साल की है जी। तो फिर उसको किसके भरोसे छोड़ दोगे अगर जी आप आत्महत्या कर लोगे? फिर कौन को करवाएगी? आप तो मर जाओगे, वो किसके भरोसे रहोगे जी? जो तलाक शुदा लेडीज कम से कम 100% लेडीज तलाक शुदा फिर रही है, उनका वास्ता कुछ नहीं कर रहा कोई, किसी वास्ता कुछ नहीं करता। मैं तो सारे का खिलाफ दरखास्त लिख का फिर मरूंगी, मिर्दा का खिलाफ भी, एमसी का खिलाफ भी, पुलिस वाले का खिलाफ भी, सारे का खिलाफ दरखास्त लिख का फिर मरूंगी, जो को नहीं मरती हूँ मैं। ये आपको तंग कौन कर रहे है जो आप कह रहे थे तंग कर रहे है भाई की टूम खा गए? और ओ बंदा मेरी टूम नहीं देना जी, काफी समय था उसे के
क्या तो दी थी आपने उससे के कारण तो दी थी जी? ओ मेरी टूम पीछे तो ले गया था जी कार्ड का कुछ सुना बैंक में दरवा दी मेरे तो बोल लेनु का उरा नु का डक गए हो चोरी कराने का लोग आपने का टूम या बैंक में दर देगो वा ने उसने ये झूठ बोल का जी मेरे पद बैंक में दरवा ली पैसे वा खुद खा गया मेरा नाम पोसना टूम दर दी बीस का नाम नहीं उधर जाएगा जी ना खुद दर किया टूम पहला उन आपका के लग गया हो चाचा लग गया जी मेरा आपके दूर रह करता हूँ ना जी मेरे तो दूर रहा मैं कल्ली रहूं जी मेरी पुलिस वाला को शिकायत नहीं दी आपने चोरी को आप चोरी कर ली ना इस बात की शिकायत लेकर गई थी जीप में माँ जी मेरे पीछे दुआ दे हमारा रिश्तेदार माँ बैंक में टूमदर का बैंक के भी कागज ले रही हूँ मैं मेरा नाम पर टूमदर का और मेरे पीछे खा गया नुका मम पीछे का मामला में कुछ नहीं कर सकते नुका जाकर उसे पता ले नुका उसे का मार टाक कर पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं जी किसी वास्ता भी कमीशन ले आज जी तड़ा तड़ा पुलिस वाले भी उनका करा जो वहाँ गाड़ी में बैठ बैठ का उन ना रहा दे वहाँ किसे ना गरीब ना कोई रहा नहीं देंदा जी कोई एमसीओ या कोई भी कड्डे लैंडलॉर्ड है जी कोई किसी लेडीज ने किसी की सुनवाई नहीं कर रहा जी मैं झुककर मैं मरूंगी ना कोई और तो और ना मरा बस हाँ कोई और ना मरा सुनाई हो जी गरीब की कोई सुनाई नहीं जी कोई सुनाई नहीं है और मेरी तो मतलब 5 साल पहला जी कोर्ट में धक्के खाया सारी उम्र मेरी कोर्ट में निकल गई फिर मेरा डिवोर्स होया 2022 में तीसरा महीना मेरा डिवोर्स होया जी मेरी सारी उम्र निकल गई कोर्टा में धक्के खाने की मेरी किसी ने सुनाई नहीं करी है जी पीर कौन सा अपना कौन सी जगह मेरा पीर कैथल है जी तो फिर ओड़ा आपको पीर वाले को नहीं करी बात भाई क्योंकि जड़े कोई मेरा नहीं कोई नहीं है जी ना माँ ना बाप ना भाई ना बैड में कल्ली हूँ जी बस कोई नहीं है मेरे पे एक बेटी है जी वैसे तो 3 बच्चे थे मेरे पास फिर 2 लड़के मेरे पति गल रह गए जी नहीं जे आप रेल तड़ा कट गए वो कड़ा जाएगी छोरी उसका मन कोई पता नहीं जी कड़ा जाएगी तो फिर आप उसके बारे में सोच देखो नहीं उस लड़की के बारे में वो 12 साल की बिचारी के करेगी जब आपने इतनी दिक्कत हो रही है तो वह लड़की के करेगी जिसकी जिंदगी का बारे में कुछ ज्ञान नहीं है जिंदगी में कुकर जीक रहा है अच्छा बुरा बेरा नहीं तो कौन आदमी उसके लिए अच्छा है कौन बुरा है उसके बारे में के करा गया लेडीज किसी का आगे पीछे नहीं होगा लोग भी तंग कर रहे होंगे उसका कहीं काम नहीं मिल रहा होगा जे कड़िया किसे कलवा जावा या एमसी बन रहे हैं चेयरमैन बन रहे हैं इनकी वोट दैया नहीं दई होंगे भी किसी का गरीब का कुछ सारा लावांगे यहाँ या कुछ नहीं सुनाई कर रहे के सारा मतलब आपने के सारा चाहिए आपने के शाम चाहिए मतलब स्कूल में ला दो कड़िया कड़िया खाना बनाने सरकारी स्कूल में ला दो कड़िया आंगनबाड़ी में ला दो कड़िया भी ला दो आप मतलब ला दो फिर बस कोई सुनाई नहीं हो रही है जी मेरी फोन लगनी था मेरे दान मैंने कल भी चलो आपकी कोशिश करेंगे आपने काम दिलावांगे इन कड़िया तो देखो मेरा कोई नहीं सुनाई कर रहा आपका घर सच में कहीं कहीं स्कूल अरे वो लड़की ने कहां छोड़ गए जी आप स्कूल में जी और वह घर आवेगी फिर वह कहीं सोचेगी तो रेल तला कट जाओगे आप तो है वह बोलू वह कटा जाएगी एक बताओ जी आप भी महिला यू समाधान है रेल का नीचे कटना आप एक बताओ बच्चों को छोड़ के तुम बच्ची जिंदगी की जान कटा जाएगी फिर नहीं तो बता दो जब कोई सुनाई नहीं करेगा तो कटा जाएगी वह मरेगी मरण का सिवा उसका कुछ नहीं है चारा मरण का सिवा कोई चारा नहीं है लेडी हाँ उसने बिना नहीं लोग के कड़ा के होगा उसका कुछ भी कर ले काम वादू है तो भाई आप देख सकते हैं ये महिला वो महिला है बहुत ही तंग महिला है जिसे कोई काम धंधा नहीं मिल रहा लॉकडाउन के बाद अपना खर्चा उसकी वेट लगा दी सरकार ने तो प्रजापति प्रजापत सुल्तान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो ये महिला नरवाना के जो हनुमान नगर है वहाँ की है और एक बेटी है 12 साल की जो स्कूल में गई हुई है लेकिन ये महिला उस बेटी को स्कूल में छोड़कर फिर यहाँ रेलवे ट्रैक पर कटने के लिए पहुंची आप तस्वीरों में देख सकते हैं इन झाड़ियों के पीछे रेलवे ट्रैक है जो दिल्ली बठिंडा रेलवे ट्रैक है यहाँ पर ये महिला ट्रैक पर बैठी थी लेकिन यहाँ पर जो ये लोग आप देख रहे हैं इन्होंने इस महिला को देख लिया और वहाँ से उठाकर लेके आए हैं जिसके बाद महिला ने पूरी आपबीती सुनाई है इस लाइव के माध्यम से और कितनी क्या कुछ परेशान है
आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी बातों से, इनके हालात से, इनके आंसू से क्या कुछ कहना है वो जरूर बताएं। गगन कुमार जी हमारे साथ जुड़े, काम का कोई घाटा नहीं है जी, बिल्कुल काम बहुत है, लेकिन क्यों ये महिला इस प्रकार का कदम उठा रही है और कह रही है कि बार बार जो MC हैं, जो नगर परिषद के चेयर पर्सन हैं, प्रधान हैं, उनके पास भी चक्कर लगा चुकी है और एक युवक पर आरोप लगाए हैं कि इसके गहने भी उसने बैंक में गिरवी रखकर लोन लिया है। तो क्या कुछ पूरा मामला आपने सुन लिया है इस महिला के मुंह से। और अब भी रेलवे ट्रैक के पास ये महिला बैठी है, आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है यहीं से ये महिला रेलवे ट्रैक की तरफ गई थी। और कुछ दिन पहले भी यहाँ एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक के नीचे आया था, उसने भी आत्महत्या की थी और आज इस प्रकार की फिर से घटना है। जितने दर्शक जुड़े हैं खबर को जरूर शेयर कर देना। इस महिला की जो समस्या, 12 साल की एक लड़की है, बच्ची है जो इस महिला के पास रह रही है, उसे स्कूल में छोड़कर यहाँ रेलवे ट्रेन के नीचे कटने के लिए, आत्महत्या करने के लिए महिला पहुंची, तो कितना जायज है ये बात, कितनी सही है और कितनी गलत है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये लोग यहाँ इसकी सुरक्षा कर रहे हैं ताकि दोबारा से रेलवे की तरफ ये महिला ना जाए, रेलवे ट्रैक की तरफ ये ना जाए। जिस दिन मैं मर गई नहीं, आज मर जू, कल मर जू, 10 दिन बाद मर जू, उसके जिम्मेदार होगा चेयरमैन मिर्दा और MC होगा उसका जिम्मेवार और पुलिस वाले होंगे सिटी थाना वाले जो मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं और कमेटी वाले होंगे जी जो मेरी कहीं का भी मतलब कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं। मैं आज कह रही हूँ कल ना मैं मर गई, मेरे खिलाफ कोई भी उंगली उठावागा गलत तो मैं यही कह कर मरू जी उनकी उस माँ यहाँ जिम्मेवार है जी मेरी मौत के जो तो आपने काम धंधा काम ले लिया इनका, बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँ। काम धंधा कोई तलाश नहीं शुरू करना जी, 6 महीने हो गए काम तलाश दी ना मेरे ना कोई काम नहीं मिला, काम तो की महीने मिल जाएगा, काम तो करना पड़ता, काम छोटा बड़ा को नहीं होता जी, काम तो छोटा बड़ा नहीं होता जी, मतलब छोटा भी नहीं मिल रहा काम करिए काम मिल जाएगा आपने। तो आप गुड़िया को पढ़ कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऐसी तो मतलब ये बातें तो नहीं मतलब न्यू थोड़ी है भाई, आप अपना गुस्सा में ये कर लोगे तो मतलब नुकसान। मैं तो कह रही हूँ MC चेयरमैन और जो पुलिस वाले सिटी थाना वाले नरवाना के यहाँ मेरी मौत के जिम्मेवार होंगे, कल न चाहे मैं कदे भी मर जू बस ठीक है जी। नहीं करते मर्यादा नहीं है, बहुत हो रही करा जाएगी, पहला विनती है कि इनका खिलाफ फिर कार्रवाई करी जावा, एक तो मृतक के खिलाफ, एक चेयरमैन के खिलाफ, एक सिटी थाना वाले के खिलाफ, मैं कितनी बार जाली इनके पास भी ले लेगा कम्प्लेट, मेरी कभी भी कम्प्लेट नहीं लेते हैं यहाँ, क्यों नहीं लेते, एक तलाक शुदा लेडीज है जिसका कोई माता पिता नहीं है, खसम नहीं, खसाई नहीं, कोई नहीं, उसकी कौन सुनाई करेगा अगर यहाँ नहीं करेंगे तो इन्ना भी कोई सुनाई नहीं करी मेरी, तो इसके कारण मैं अपनी जान देने जा रही थी जिस कारण मेरे को रोक लिया गया। पीछे आपके मतलब कितने ठहरे है वो बंदा? मेरे 60,000 जी। और तुम कितने ले रहे? ले रखे उसने खाता मतलब 11,000 वहाँ ले रखे यहाँ लगता। अच्छा जी। हाँ 3 टूमा जी मेरी सोमना की। एक क्या है? सोमना के एक मंगल सूत्र है जी, एक टिक्का, एक कन्ना की वाड़िया। अच्छा हाँ जी। ईब के एक वाओ वालू कह रहा जड़ा तना जो करना कर ले, मेरे पना पीसे ना मैं तना जानदा नु का कोड़ा तो जड़ा मर्जी जानू का चादर खास दे कुछ कर कवा दो तो पीछे खाली में कड़ी सवेरे तुम की देखा गया जी मेरे पानी का तना जड़ा तक जाड़ा नहीं तोड़ा तक जानू का ना मेरे पास पैसे ना मेरे पानी का कुछ नहीं का नाच दी फिर लुका ना मैं तना जान दा ये कार्रवाई कई साल पहला की दरकिया जी मेरी टूट तो दे नहीं रहा बंदा पर उसकी सुनकर ना तू गाड़ी चला नेड़ देने लग गई नहीं काम की बात करो आजकल तो खेता में बहुत काम चल रहा है रो सारी लेडीज कर रही है जी खेता में जी किसका अकेला जाऊँ खेत में भी कल्ली तो जा नहीं सकती खेत में भी एक लेडीज के बात कर लिखना तो पड़ेगा जी घर आता है ना बाहर में नकड़िया काम दुआ दे खेत में दुआ दे खेत में बात करी जी द्रोधी बंदा जिम्मेदार उसने लेडीज ने बात करी तो वो बोल लुका जी तो इनका मेरा जीरी मतलब घास पाट लिया नुका अगली बार नुका बाड़ी चुगन वास्ता आजियो मैं इतना मैं नहीं बैठी रहूंगी काम पे बिल्कुल लेडीज आंगला लगाऊं तने ले ये लगा दे आप लगा दियो जी काम है बाड़ी में जा सवेरे
बाड़ी में मना कदे चुगी को नहीं है और के मना कदी भी नहीं बाड़ी चुगी जेरी काम और किसका काम है जंग से कोई और काम होगा ऐसे काम कर लो इमाम का बाड़ी का काम जाना भी खेती कर रहे हैं हमारा कोई बाड़ी बोंदा को नहीं अच्छा हां जी कतर साइड में बोंदा को नहीं भैया ना मना बेरा को नहीं बाड़ी का कड़ा तक के हुआ देखो भाई अपना देश जमींदार का काम करा तो ये काम करना देखो और काम करना आंदा को के बरा के काम तो के काम कोई हेल्प देने खातिर किसी लो बक जा और काम ला जांगे देखो और गड़ियां देख ले देव ना काम कौन ना कोई लेडी समझ पूरा जुड़सी तो किस लिए स्कीम चला रखी है यो फिर मोदी ना किसका वास्ता है नहीं देखो स्कीम भी नू को नहीं होती कोई हेल्प नहीं है स्कीम भी नू नहीं होती काम तो करना पड़े जी करनी है उसकी हेल्प नहीं करती सरकार जिसकी नहीं करनी ने उसकी हेल्प कर रही है आपने क्या हेल्प चाहिए नगर परिषद तनु उठाओ पूरा लॉकडाउन क्या साल लॉकडाउन रहा पूरा लॉकडाउन अंदर भूखी से ही पड़ी रही हूँ कोई कोई रोटी खा रही है कोई नहीं भूखा रहा अगर घर रोटी आई है मैं रोटी आई होंगी आने वाले का मैं नेम खा का कहूँ चल गए भी मैं नेम खाऊंगी ठीक है नी मेरा घर कोई रोटी नहीं आई पानी का गिलास तक नहीं आया मेरा घर में लॉकडाउन में भी कल्ली पड़ी रही भूखी तो जाई अंदर अपनी जितने नगर में जाकर दिखा हुए उनका न्यू के न्यू भी मेरा कर्जा लटक रहा दुकान वाला का लॉकडाउन का कर्जा तो देखो ले आओ जी बात को नहीं है लेनी देन तो चल ले करे है ये तो कुछ भी कोने लोगों ने बनो कितने कितने देने हैं पढ़ता पूरे पाड़ूंगी फिर वो छोरी ना तो आप उसका तो करो समाधान है उसने छोड़ गवा बताओ कटा जाएगी आप तो कट जोगे वह बताओ उसका समाधान की मैं करे आपने कड़िया को रिश्तेदार और आगे पाछे कोई चल उसने तेरे तो बोल दिया बंदा ना तू आया कन गाड़ी तला बैठ गई और वह क्या करे स्कूल में तो आया कन के सोचेगी वह उसने तो नूबी कौन बेरा भाई रेल तला कट का समाधान हो जाएगा फिर एक बात अगर घट होंदी तने मुती तो अच्छे बुरे का भी नहीं बेरा ये व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है तो भाई जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं कमेंट में अपनी राय रखें क्या आत्महत्या करना है।